अनुष्का सिंह, हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपकी आवाज को उठाते हैं, आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, बनते हैं आपकी आवाज। तो मैं आपको बता दें, आज जो महंगाई के खिलाफ हम हल्ला बोलेंगे कि किस तरह से लगातार बारिश ने जहां एक तरफ किसानों के चेहरे खिला दिए तो दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ा दी। महंगाई के खिलाफ आप आज हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करने शुरू कर चुके हैं। किसानों के चेहरे बारिश की वजह से खिले हुए, तो दूसरी तरफ आम जन पर महंगी सब्जियों की मार पड़ी है जिससे लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया। यानी साफ है कि महंगाई डायन किसी ना किसी रूप में लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब प्रदेश की जनता महंगाई के खिलाफ करेगी हल्ला बोल और सरकार को महंगाई कम करने का वादा याद दिलाएगी। हमारी टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर्स दिखाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। तो सब्जियों पर किस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है, बारिश हुई, बारिश की वजह से किसानों के जो चेहरे हैं वो खिल गए, किसानों के लिए एक अच्छी खबर, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो आम जनता है उसके लिए ये बुरी खबर। चूंकि अगर आप सब्जी मार्केट की तरफ जाएंगे तो वहां पर सब्जियों के जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहे हैं और जिसकी वजह से जो सब्जी है लोगों की थाली से गायब होती नजर आ रही है। आप इसी पर हल्ला बोल सकते हैं। हम आपको बीजेपी सरकार का वो वादा भी याद दिलाते हैं जब उन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी। तो आप ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं। हल्ला लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर जो है फ्लैश करें जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके। महंगाई ने फिर से रसोई का जो बजट है वो बिगाड़ दिया है। हमारे साथ पंकज, हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। हल्ला नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर, कहें मैम। पूरा बजट बिगाड़ दिया मैम। यहाँ सब्जियों आलू के दाम देखो, किसी भी चीज के दाम देखो मैम, सारी कुछ बिगाड़ दिया है मैम। महंगाई कर दिया है मैम। बीजेपी सरकार आने से पहले सेंटर में बोलती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी जी। तो मैम क्या महंगाई कम हुई है मैम, सारा बजट बिगाड़ दिया है हमारा मैम जी। बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को। जब महंगी सब्जियों को देखते हैं तो सरकार के वो दावे याद आते हैं जब चुनावों से पहले जो दावे किए गए थे महंगाई को कम करने के, लेकिन जिस तरह से बारिश, एक दो दिन की बारिश के बाद ही सब्जियों के जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहे हैं, लोगों की थालियों से सब्जी गायब होती जा रही है, जायका जो है वो लोगों का बिगड़ रहा है। आप इसी पर हल्ला बोल सकते हैं। हमारे साथ तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके और बोल सके हल्ला। दरअसल हम आपको बता दें कि दो दिनों पहले ही प्रदेश में बारिश हुई, बारिश की वजह से किसान जरूर खुश हुए क्योंकि किसानों की फसलों के लिए वो बारिश जो है फायदेमंद थी, लेकिन अगर सब्जी मार्केट की बात की जाए वहां पर सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छूने लगे। हमारे साथ एक दर्शक भगवान राम फोन लाइन पर जुड़े। जी बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम जी। सर कहें मैम, बरसात ने एक तरफ किसानों को जहाँ फसल जो आने वाली फसलें हैं उसके लिए तो बरसात काफी अच्छी है, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं जो सब्जियां हैं उनके बारिश की वजह से दाम बढ़ गए हैं, तो महंगाई भी साथ में बढ़ी है। तो सरकार के लिए इसके लिए उपाय करने चाहिए ताकि गरीब लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो सब्जी खरीदने में, महंगाई जो दर लेवल पे आई थी वो बढ़े ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों को बता देते हैं कि 25 फीसदी तक जो दाम है वो बढ़े हैं, दामों में इजाफा 25 फीसदी हुआ। समझा जा सकता है कि जो लोग वहां पर सब्जी लेने जाते हैं, जो लोग 1 किलो 2 किलो सब्जी खरीदते हैं उन्हें केवल पाव से काम चलाना पड़ा चूंकि सब्जी इतनी ज्यादा महंगी है जिसकी वजह से थाली का जो जायका है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें तमाम सब्जियों की बात की जाए, गाजर हो, मूली हो, टमाटर हो, गोभी हो, तमाम जो सब्जियां हैं वो उस वक्त आसमान छूती जा रही है, उनके रेट्स आसमान छूते जा रहे हैं। इसी को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल जब इन महंगी सब्जियों की तरफ देखें तो याद आता है बीजेपी सरकार का वो दावा जब उन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन आलू से लेकर गोभी तक, मटर तक, तमाम सब्जी जो है इस वक्त महंगी हो चली। हमारे साथ सुरेश, एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। सुरेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, कहें सर जी। एक तरफ ये महंगाई बढ़ चुकी है, सरकार ने जो बीजेपी केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महंगाई कम करने का दावा वादा किया गया था, एक तरीके से महंगाई पर लगाम भी लगी थी, लेकिन बरसात के कारण ये सारी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। तो अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अब सरकार का क्या कदम होगा इस महंगाई को रोकने के लिए, ताकि लोगों को और गरीब तबके के लोग हैं जिनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, तो सरकार से सवाल है कि आखिरकार सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम। बहुत शुक्रिया सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। महंगाई डायन सब्जियों को किस तरीके से डस रही है, आज महंगाई के खिलाफ प्रदेश की जनता हल्ला बोल कर सकती है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसके लिए हम नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं और इन नंबर्स पर कॉल करके आप हरियाणा की आवाज बन सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और महंगाई पर हल्ला बोल सकते हैं।
जिस तरीके से पिछले 2 दिनों पहले बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, बारिश हुई और बारिश की वजह से किसान जरूर खुश हुए, उनकी फसलों को उसका फायदा पहुंचा, लेकिन जो आम लोग हैं उस पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, महंगाई बढ़ी। हमारे साथ सुनील, एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। सुनील सुन पा रहे हैं आप? तो बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों से हम अनुरोध करना चाहेंगे, जब भी फोन करें टीवी की आवाज को कम कर लें, टीवी की आवाज को सुनकर कृपया रिस्पॉन्स ना करें। हम आपको बता दें आज का हमारा मुद्दा क्या है, महंगाई। जी हाँ, महंगाई नाम की जो डायन है वो उस वक्त बाजार में आपको दिखाई देगी, चूंकि सब्जियों के रूप में आपको दिखाई देगी। सब्जियों में अगर बात की जाए, टमाटर, प्याज, आलू, तमाम जगहों पर उस वक्त महंगाई देखी जा रही है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद इन सब्जियों के रेट्स जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम जन है उन पर इसका असर दिखाई दे रहा है। उनकी थाली से जो सब्जियां हैं वो गायब हो गई हैं। हमारे साथ एक दर्शक सोनू फोन लाइन पर जुड़े। जी सोनू जी, स्वागत है। नमस्कार मैम जी, कहें मैम, सब्जी के रेट इतने हाई हो गए मैम कि सब्जी खाना भी दुश्वार हो गया इस टाइम में। तो मैम, जहाँ पहले बारिश हुई थी अभी 2 दिन पहले, उससे किसानों के चेहरे पे मैम रौनक आ गई, लेकिन आम जनता है तो मैम, गरीब लोगों ने उनकी रोटी से सब्जी खाना मुश्किल हो गया मैम, उनको अचार से रोटी खाने में प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है मैम। मैम, इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए मैम, क्योंकि बीजेपी सरकार ने दावे किए थे आने से पहले कि हम सब चीजों के दाम गिरा देंगे, सब चीजों में हम महंगाई पे मार रोक लगाएंगे, पर मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप कुछ भी चीज देख लो मैम, इधर पेट्रोल डीजल में थोड़ा बहुत 2-4 रुपए का इजाफा किया है, बट मैम उसका भी क्या भरोसा, 2 दिन उसके भी रेट बढ़ा दे। और आप सब्जियों को देख लो मैम, गोभी ले लो, आलू ले लो, कुछ भी ले लो मैम, 20-25% इजाफा हुआ है। चलिए सोनू जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो महंगाई डायन, हम आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर इसका असर होता दिखाई दे रहा है। चूंकि जब मार्केट सब्जी लेने पहुंचते हैं तो वहां पर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, तमाम जो सब्जियां हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। और ये सब जिस तरीके से पिछले 2 दिन पहले बारिश हुई उसका असर दिखाई दे रहा है, फसलों को इसका फायदा जरूर पहुंचा, जिससे किसानों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। लेकिन अगर आम जनता की बात की जाए, इस बारिश ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि महंगाई इस वक्त सब्जियों पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है। तो आप हल्ला बोल सकते हैं इस पर, लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। महंगाई ने फिर से रसोई का जायका जो है वो बिगाड़ दिया है, सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश उस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहे हैं जी। ओम प्रकाश जी, कहें, अपनी राय रखें। ये सब्जी के रेट बढ़ाने में जी गरीब आदमी का ज्यादा हाथ है। ये रेडी वाले जो बेचते है, ये मंडी में सब्जी बिका है हमारी, या तो बिका है 5 रुपए किलो, और ये लेने के बाद 15 रुपए किलो बेचते हैं, 20 रुपए किलो बेचते हैं। जमींदार को 5 रुपए में मतलब सारी मजदूरी लगाता है, पैसा करता है उसको, इसने 6 महीने तक रुकार करे उसकी, और ये बेचने में एक के दिन में जो है ना 15 रुपए कमाते हैं जी। जी, तो यानी जो गरीब तबका है उसके लिए और भी ज्यादा परेशानी। हमारे साथ एक और दर्शक रवि फोन लाइन पर जुड़े हैं रोहतक से। रवि जी, स्वागत है आपका। तो रवि के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तमाम नंबर्स भी हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें और हल्ला बोल सकें। दरअसल मुद्दा है आज का, किस तरह से महंगाई इस वक्त लोगों की थालियों से सब्जियों को गायब कर रही है। दरअसल जिस तरह से बारिश हुई उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़े। हमारे साथ दोबारा रवि फोन लाइन पर जुड़े। रवि, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी सर, कहें। ये हमारी सरकार ही तो ऐसी है ना सर जी, ये इनका पैसा ही नहीं भरता तो गरीब आदमी को कैसे पैसा भरेगा जी। महंगाई तो तभी आज अंकुश लगाएंगे ना तो करेंगे तो हमारा तो यही है संदेश है कि महंगाई घटनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हल्ला बोल कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी की जेब पर फिर से इसका असर दिखाई दे रहा है। तमाम नंबर्स हम चला रहे हैं, जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। संजीव हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। संजीव, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हाँ जी मैडम जी। सर, कहें।
मैडम ये इतनी महंगाई हो रही है, मतलब गरीब आदमी कहाँ से पूर्ति करेगा। तो काफी चीजें इतनी महंगी कर दी उन्होंने, आप बताइए इसका हल क्या करें। बिल्कुल, तो यही सवाल इस वक्त तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका यही सवाल है कि आखिरकार वो करें क्या। सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो महंगाई कम करने का दावा किया गया था, बात कही गई थी, आखिरकार उन दावों का क्या हुआ, क्यों वो दावे हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अगर सब्जियों के दामों की बात की जाए, सबसे ज्यादा असर इस वक्त महंगाई का सब्जियों पर दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, और जब लोग बाजारों में पहुंचते हैं सब्जी खरीदने की बात करते हैं तो वहां पर सब्जियों के दाम सुनकर, जहाँ वो 1 किलो अगर कोई सामान लेते हैं तो उससे उस कि जो है जिस तरीके से कीमत बढ़ रही है उसके हिसाब से उन्हें कम करना पड़ता है। हमारे साथ फतेहाबाद से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। मैडम आप बोले महंगाई का, जी महंगाई कहाँ पे है, किसानों को क्या मिल रहा है वो देखिए ना इसमें, किसान को क्या मिल रहा है वो बताइए पहले तो। चलिए, यानी आपको लगता है कि महंगाई अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बिल्कुल महंगा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आलू 40 रुपए किलो होना चाहिए, जब भी किसानों को 2 पैसे फायदा होगा। यानी बिल्कुल आप सरकार के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक दर्शक है जो सरकार के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी दर्शक हैं जिनका मानना ही है कि महंगाई जिस तरह से लोगों को रुला रही है, जो सब्जियों के दाम है वो कम होने चाहिए। सरकार द्वारा महंगाई कम करने की बात कही गई थी, लेकिन एक बारिश के बाद ही जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वो लोगों की थाली से सब्जी को गायब करे। फिलहाल हल्ला बोल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot Number 34, Gurgaon, Haryana. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254-1366-4243-4445 or log on to www.mdkinternationalschool.com.
एनडीके इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। लार्जेस्ट कैंपस, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की, किस तरह से महंगाई ने आम आदमी का बजट जो है बिगाड़ के रख दिया है। दो दिन पहले बारिश हुई और बारिश के बाद सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। सोना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बाजार में सब्जियां तो उपलब्ध हैं, लेकिन जब लोग उसे खरीदने जाते हैं बाजार सुनकर उन्हें बाजार में इसकी कीमत को सुनकर उन्हें खाली हाथ ही जो है वापस लौटना पड़ता है। आप महंगाई के मुद्दे को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। हम आपको बता दें, कार्यक्रम आपसे जुड़ा हुआ जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। सब्जियों पर किस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है, महंगाई पर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल आम आदमी की थाली से सब्जियां जो है वो गायब होती जा रही है। महंगाई के खिलाफ जनता हल्ला बोल कर सकती है इस कार्यक्रम के जरिए। तो महंगाई ने आखिरकार फिर से बजट बिगाड़ दिया है, आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सब्जियों पर महंगाई की मार दिखाई दे रही है और आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। वो तमाम नंबर्स भी हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। जिस तरह से दर्शकों की अब तक की अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए, अब तक की जो प्रतिक्रिया निकल कर आई है उससे जाहिर हो रहा है कि ये जो जनता है वो सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार वो वादे कहाँ गए और किस तरह से महंगाई कम की जाएगी, कि सरकार जवाब दे जनता को। हमारे साथ एक दर्शक कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका सर। हेलो जी सर, कहें सर। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार आने से पहले और आने के बाद जो रेट खाद्य पदार्थों के अब हुए हैं, मैं ये नहीं मानता भी गरीब की खाड़ी में ये कह रहे मार पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बारिश में कुछ से कारण बने हैं जिससे सब्जियों के दामों में कुछ दिक्कत आ रही है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि गरीब के साथ गलत हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हम आपको बता दें, जो सब्जी इस वक्त मार्केट में मिल रही है उसके आसमान छू रहे हैं दाम। गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन या तमाम चीज़ें, बात की जाए अगर गोभी की, मटर की, तमाम चीज़ें उस वक्त महंगी हैं। और जिस भी क्वांटिटी में जो लोग वहां पर जा रहे हैं खरीदने के लिए, एक किलो या दो किलो जितना भी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कम सब्जियां लेकर घर वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि जो महंगाई है उसका असर सब्जियों पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ प्रतिया से एक दर्शक फोन लाइन पर कृष्ण जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। महंगाई कम करेंगे जी? जी सर, राय रखें अपनी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीवी की आवाज को सुनकर जो है रिस्पांस कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि टीवी की आवाज को सुनकर रिस्पांस ना करें, बेहतर संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंचकुला से, पंचकुला का रुख करेंगे। वहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल गर्ल्स हॉस्टल में डबल सुसाइड का मामला सामने आया है। दो लड़कियों द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर की ये पूरी वारदात है। बीएड की दो छात्राओं ने खुदकुशी की और दोनों ही छात्राएं करनाल की रहने वाली बताई जा रही है। और एक ही कमरे में आपको बता दें कि पंखे से लटक कर जान दी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंचकुला की तस्वीर जहां पर पूरा मामला सामने आया है, ये जहां पर दो छात्राओं ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। एक ही कमरे में दोनों छात्राओं ने पंखे से लटक कर जान दी। दोनों छात्राओं को बताया जा रहा है कि करनाल की जो है रहने वाली हैं।
कारणों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है किन वजहों से इन छात्राओं ने सुसाइड किया है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं पंचकुला से, जहां पर दो छात्राओं के सुसाइड का मामला सामने है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। तो गर्ल्स हॉस्टल में डबल सुसाइड का मामला सामने आया है। दो छात्राओं द्वारा सुसाइड कर लिया गया। दोनों छात्राएं बीएड की बताई जा रही हैं और साथ ही साथ दोनों छात्राएं करनाल की रहने वाली हैं, लेकिन किन वजहों से आखिरकार इन्होंने सुसाइड किया है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंचकुला की तस्वीर है जहां पर दो छात्राओं की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल पंचकुला के गर्ल्स हॉस्टल का ही पूरा मामला जहां पर दो छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि किन वजहों से आत्महत्या की है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। किन आखिरकार कारण क्या कुछ रहा है इस बारे में किसी तरह की जानकारी पुलिस नहीं लगा पाई, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही। दोनों ही छात्राएं करनाल की रहने वाली बताई जा रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमंग फोन लाइन पर जुड़ी। उमंग, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से दो छात्राओं के हॉस्टल में सुसाइड करने का मामला सामने आया, पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है, क्या जानकारी मिल पाई अब तक? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तक अभी अपडेटेड जानकारी ये है कि पूरे मामले में एक सुसाइड नोट जो है पुलिस को बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि सुसाइड लेटर में क्या लिखा है। आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें किसी लड़की का नाम भी हो सकता है जिसको जिम्मेदार बताया गया हो अपनी आत्महत्या के लिए। जो दोनों लड़कियां हैं करनाल की रहने वाली हैं, इन्होंने जिस तरह से ये आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, उससे पूरे हॉस्टल में भी दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल, तो पूरे हॉस्पिटल में दहशत का माहौल। बहुत शुक्रिया उमंग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त दहशत का माहौल पूरे हॉस्टल में दिखाई दे रहा है, चूंकि दो छात्राओं के सुसाइड का मामला सामने आया है। फिलहाल आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा हरियाणा न्यूज में।